अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका नाम? शेख चांद शेख मूसा। शेख चांद शेख मूसा, माशाल्लाह, अच्छा लगा मिलकर आपसे। जी, पहली बात तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप सऊदी क्यों आए? क्या क्या दिल कर रहा था कि आप सऊदी आना चाह रहे? हाँ, सऊदी आने के लिए, सऊदी में हमारे दोस्त थे, और दोस्त रिश्तेदारी समझ लो, और फिर उसके बाद जो हम इंडिया में काम करते थे, लेकिन एक चाहत थी कि कम उम्र में ज़्यादा पैसा कैसा कमाया जाए। तब कोई हमें समझाने वाला नहीं था, तब हमने सोचा है कोई हमें ऐसा ही बताए कि बाहर कंट्री जाते बहुत पैसा होता, बहुत कमाते हैं, तो वही सोच कर हम आए कि चलो पैसा कमाया जाए। निकल गए हम, और सऊदी अरब में फर्स्ट लाइफ में फर्स्ट बार बाहर निकले इंडिया छोड़ के, और सऊदी अरब। कितनी उम्र थी आपकी जब आप आए थे इधर? 22 साल, 22 ईयर्स। 22 ईयर्स, यही सपने लेकर आ गए कि पैसा ज़्यादा कमाएंगे और जाएंगे, फिर अपने गांव में अपने देश में कुछ करेंगे, यही सपना लेकर आएगी, पैसा ज़्यादा कमाएंगे जब। लेकिन यहाँ पर हम आए तब हमें हकीकत क्या होती है पता चला, पैसा कैसा कमाया जाता, क्या होता है, कब पैसा मिलता है, कितनी मेहनत लगती है, ये इंडिया में पता नहीं था। वो तो बड़ों की कमाई थी, खा रहे थे, ऐश कर रहे थे, वो तो जब खुद कमा रहे तब पता चला है। तो ये सपने लेकर हम सऊदी आ गए। और तो अपने बारे में बताइए कि कब आए सऊदी अरब को? सऊदी अरब को इंशाल्लाह हम आ गए 2008 में। और कितने साल हो गए अभी तक सऊदी में? तकरीबन 11-12 साल हो रहे हैं। 11-12 साल। और क्या कर रहे हैं? जॉब? जॉब तो हॉस्पिटल में करते हैं। क्या समाचार है वहाँ पे, कैसा लगे आपको आपके टोटल 14 साल के अंदर जर्नी में? 14 साल के अंदर तो जर्नी में तो बहुत कुछ हो गया है, अच्छे भी दिन आए, ख़राब भी दिन आ गए, मज़ा भी आया। आपकी क्या राय है, अगर कोई नए आना चाह रही तो आना चाहिए सऊदी अरब की या नहीं आना चाहिए? सऊदी अरब में आने के लिए पहले कोशिश करनी चाहिए कि आपने यहाँ पे सेट हो जाए, वहीं पे कोशिश करें। बाहर जाके तुम जितनी अपने मुल्क में, अपने मुल्क में बाहर जाके जितनी स्ट्रगल करते कोशिश करते हैं, वो अगर आपने यहाँ पे करे तो सबके साथ रहते हुए कमा भी सकते, खा भी सकते, रह भी सकते। और बाहर अकेले ज़िंदगी जीना, जब एक बार घर छूट जाता है आपसे तो वहाँ पे सेट होना आपको ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमारी यही राय रहेगी इंशाल्लाह, कोशिश करें वहीं पर, कोशिश करें वहाँ पर। और अगर कोई सऊदी आना चाह रहा था, कितनी उम्र तक आना सही है मुनासिब उसके लिए? सऊदी में तो अपना सोच अपनी अपनी कमाने के ऊपर है, पढ़ाई भी है, पढ़ाई होती है तो कमाने में लग जाते हैं। कोई दस, जब जिसके जो समझ में आता है तब से वो इंसानों करने लगता है, किसी के 5 साल से समझ में आता है वो करने लगता है, कोई इसके शादी से पहले समझ में आता है वो वहाँ से करने लगता है, कोई शादी हो जाती है उसके समझ में आता है वहाँ से करता है, कोई बूढ़ा हो जाता है तब समझ में आता है, तभी हाथ पैर हिलाने लगता है। कुछ ऐसे होते हैं जो आते हैं और जाते हैं, उनके समझ में ही नहीं आता है। ओके, आपकी क्या राय है, नौकरी करना अच्छी चीज़ है या बिजनेस करना अच्छी चीज़ है? हाँ, नौकरी के ऊपर जो है तो नौकरी एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप जो है तो कमा सकते हैं, खा सकते हैं, सुकून से रह सकते हैं, ये नौकरी है। लेकिन आपको तरक्की करना है, आपको आगे बढ़ना है, किसी और को भी आपको हेल्प करना है, तो उसके लिए बिजनेस बहुत अच्छी चीज़, बिजनेस के लिए ट्राई करना चाहिए। तो आपका राय यह है कि बिजनेस ज़्यादा अपॉर्चुनिटी अच्छी चीज़ है कि इसमें ज़्यादा काम बिजनेस रिस्क, लेकिन बिजनेस बिजनेस ही होता है, बिजनेस बिजनेस होता है। और आप क्या सऊदी अरब में जब आप आए थे तब कितने साल के बाद छुट्टी गए थे? छुट्टी तो हम गए थे तकरीबन 7 साल के बाद। 7 साल के बाद? तो आपने काफ़ी पैसे कमाएंगे 7 साल के दौरान? पैसे हमने बहुत कमाए माशाल्लाह, दुआ थी लोगों की, बड़ों की, बहुत पैसा कमाया है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो आपको अभी भी क्या लगता है कि आप सऊदी में और रहना चाहती हैं या नहीं, बस ख़त्म करना चाह रही? जी, सऊदी में तो रहना चाहते हैं, वो इंसान रहना चाहते हैं जो सुकून से पैसा कमा के उतने में जीना चाहते हैं, लेकिन हमको आगे बढ़ना है, हमारी सोच है कि हम बिजनेस करें आगे बढ़े, और हम जिस फील्ड में जिस जॉब करते हैं उसमें हम आगे नहीं बढ़ सकते, इसीलिए हमारी ख्वाहिश है कि हम बिजनेस करें, इसलिए सऊदी से जाना चाहते हैं। कामयाब करें, फ्री रहे, जब फ्री रहते हैं तो इंसान कुछ करता है, हम किसी के अंडर में हैं। हाँ, जब हम गुलाम की जैसे रहते तो अटके हुए रहते, लेकिन जब हम खुद फ्री रहते तो बिजनेस करने में कामयाबी हो सकती है। सही है, तो इसका माना यह है कि आपकी राय यह है ज़्यादातर कि इंसान को बिजनेस करना पहली चीज़ है? जी हाँ, बिजनेस चीज़ पहली, सबसे पहली चीज़ है कि इंसान ने स्टार्ट से ही बिजनेस में घुसना चाहिए, ये हमारी सोच है, हम ऐसा मानते हैं, लेकिन हर किसी की अपनी सोच होती है। आपके कोई दोस्त अहबाब जो सऊदी अरब में है, जैसे कि मसलन के तौर पर लेबर पे, क्लीनर पे, उनके क्या हालात है, कुछ बता सकते हैं उनके बारे में? हालात तो देखो बहुत टफ, हाँ बहुत टफ है, उनका भी सैलरी वगैरह जो है तो, क्योंकि आप नौकरी करते हैं सैलरी कम है, हम सोचते हैं जहाँ पे हम रहते हैं सोचते हम बाहर जाएंगे नौकरी करेंगे सैलरी अच्छा मिलेगा, शुक्रिया आपका, जज़ाकअल्लाह खैर। हाँ, तो
सैलरी बहुत कम होता है, लेकिन वहाँ के लोग ये समझते कि ये जब बाहर रहते तो समझ लो इनके पास नोटों की बरसात होती है। हाँ। बस वो फ़ोन करते, हम भेजते, इससे उठाते उससे उठाते, लोन करते ये करते, लेकिन उनको भेजते और उनको उस चीज़ का एहसास नहीं। लेकिन जब आप उनके साथ रह के कमाएंगे तो उनको एहसास हो जाएगा। हाँ। और वो उसी तरीके से आपसे मांगेंगे। तो इस सबका कहने का माना ये है कि जब हम लोग फैमिली के साथ रहते हैं तो फैमिली भी हमें देख सकती है कि हम लोग क्या मेहनत पड़ रहे हैं। जी हाँ। लेकिन अगर हम लोग बाहर रह के जब नौकरी कर रहे हैं तो फैमिली को अंदाजा भी नहीं होता कि हम लोग कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। जी हाँ। और वो लोग ये सोचते हैं कि हमारे पास झाड़ लगे हुए पैसों के। हाँ। और पैसे आते ये सब काम है उनके नजरों के पीछे होते हैं ना, उनको एहसास नहीं होता, एहसास नहीं आता। और हम ये चीजें जानते। और आप इसकी क्या राय देते हैं, सऊदी कैसे रहते हैं? जो सऊदी अरब में ये रूल है ना कि अगर आप कोई आएंगे तो वो ट्रांसफर होकर कफील के अंदर रहने का रूल है, तो वो कैसा सिस्टम है सऊदी? अच्छे होते हैं ये, क्या हालात कैसे गुजरते हैं? हर जगह पे, हर देश में, हर गांव में कुछ लोग अच्छे कुछ ख़राब भी है। तो उसी तरह से कुछ लोग अच्छे भी है जो बहुत कुछ मानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, और कुछ ऐसे भी लोग है जो नहीं मानते, जाहिल पना भी करते हैं। लेकिन किस्मत, आपकी कोशिश। जी सही है। तो ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत तमाम आपके वक्त के लिए। आपको कुछ कहना है किसी लोगों के लिए, यानी किसी को राय देना है कोई छोटे? हाँ, राय तो हम ज़रूर देंगे कि जो भी करे तब भी करे, बिजनेस करे, और ये ना सोचे कि लोग बाहर गए हुए हैं, और जो बाहर है वो लोग समझाते हैं तुमको कि आप मत आइए, वहीं पे करिए। तो हमारी सोच ये होती है कि यार वो तो बाहर रहता है इतने सालों से, वो हमको बोल रहा है, लेकिन खुद तो रह रहा है, खुद कमा रहा है। जो इंसान बोलता है वो कुछ उसको एहसास है, पता है, इसीलिए आपको बोलता है। तो उस चीज़ को मानना चाहिए। और हम आपसे यही कहेंगे कि अपने देश में, अपने जगह पे सबके साथ कोशिश करें और बिजनेस में ही घुसे। नौकरी वो नौकरी होती है, गुलामी ही होती है। जो भी करे आज़ाद करे, छोटा करे, अपना करे। और कभी भी ये भी है ना कि जैसे कोई इंसान हारता है तो वो समझ जाता है कि मैं हार ही जाता हूँ, लेकिन उसकी हर हार पर जीत है, बिकॉज उससे वो कोई चीज़ सीखता है और उससे वो और कामयाब हो सकता है अगर वो सही स्ट्रगल करने वाला है। तो हार नहीं है जिंदगी में। नहीं नहीं, इंसान तो जीतता है। या जैसे तो कि आपने ये टी शर्ट पहनी है, इस पे आपने लिखा है सर्वाइवर, नथिंग कैन ब्रिंग मी डाउन। तो इसका माना यही है ना कि कोई इंसान हारता नहीं है जिंदगी में। नहीं, नहीं, हार नहीं, उसका नहीं। सबब है कि वो और आगे बढ़ता है। जी हाँ, और बेशक अल्लाह सुब्हान तआला से हर मुकाम में और ज्यादा आगे बढ़ाता है। इसीलिए शायद आपने आज आपकी टी शर्ट का भी एडवर्टाइजमेंट दिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन आपको देख कर हमें ऐसा लग रहा है कि आपने भी मेरे बारे में तो देखिए हमारे दोस्त यार को कुछ मोटिवेट हो जाए। हाँ, मैं दूसरे और एक दोस्त है उनसे लेते हुए फिर मैं आपको मेरे बारे में जरूर बताऊंगा। रही बात मेरी कहानी, तो सीधी सिंपल है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने सऊदी अरब में 30 साल गुजार चुका हूँ, और बहुत ज्यादा तफसीर है बताने के लिए, वीडियो लंबी हो जाएगी, तो फिलहाल यहाँ पे रोकते हम लोग आपके थ्रू, और बाकी इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं। ओके, शुक्रिया आपका बहुत। और हम आपको दुआ करते हैं कि इंशाल्लाह आप अपने बिजनेस में कामयाब हो, और आपकी बातचीत से लोग सबक सीखे कि हाँ अपना खुद का बिजनेस करें, कामयाब बने, तरक्की करें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, सबको मदद करें इंशाल्लाह। शुक्रिया, खैर अल्लाह की। क्या आपकी ज़िंदगी में बदलाव क्या क्या आया आज तक आपकी तमाम जर्नी लाइफ में? जी, जब इंसान जब घर छोड़ता है, दोस्त यार मिलते, बाहर के लोग मिलते हैं, अच्छे लोग बुरे लोग मिलते हैं, तब हम देश जब हमने छोड़ा है, गाँव छोड़ा है, गाँव से है, हम सिटी से तो है नहीं है, छोटे से एक मुल्क से, तो लोग सऊदी में मिले हमें, अच्छे मिले बुरे मिले, लेकिन उनसे बहुत कुछ सीखने मिला हमें। हर किसी की अपनी अपनी सोच होती है, तो वो सोच जो हम सोच लेके चले थे वो पूरी सोच हमारी बदल गई है, पूरी को पूरी बदल गई है। ऐसा एक इंसान, एक दोस्त, एक यार मिला है कि उसने अपने सोच के साथ हमारे सोच को भी बदल डाला है। ये सोचने वाली बात है, यही बात सोचने वाली सबसे बड़ी बात। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे हमारे बड़े बड़े सपने थे, हम कमाएंगे, गाड़ी लेंगे, ज़मीनें लेंगे, लेकिन जब हम उनसे मिले हैं ना सर, जब उनसे मिले हैं हम, तो ऐसी सोच बदल गई है कि जो आखिरत के बारे में जो हमें नॉलेज था उसे कहीं ज़्यादा मिला है। फिर हमारे समझ में आया है कि हमें तो दुनिया भी चाहिए लेकिन आखिरत भी चाहिए। तो जब आखिरत की हम तैयारी में लगे तो हमारे दिल से दुनिया जो है तो धीरे 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 बाहर निकलने लगी। माशाल्लाह, दोस्त आपको अल्लाह के करीब पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, माशाल्लाह, आज भी हमारे साथ है वो दोस्त। इंशाल्लाह, अगर आप पहले बताते शायद हम बुला लेते होंगे, लेकिन इंशाल्लाह बहुत करीब है हमारे। जी माशाल्लाह माशाल्लाह, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह उनको साथ लेंगे। जी, शुक्रिया बहुत बहुत आपके कीमती वक्त के लिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।